जैसे आप सुबह रामायण का पहला एपिसोड देखा, बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी। कितनी पुरानी यादें, कितनी बातें जहन में एक साथ घूम गई। वो सब कुछ जो कितने साल पहले हुआ था, करीब करीब 33 साल पहले जो कुछ हुआ था। उस वक्त जब रामायण आती थी तब कर्फ्यू जैसा शहर में लग जाता था, एक लॉकडाउन जैसा हो जाता था। आज भी एक लॉकडाउन है। रामायण के पहला एपिसोड आप सबने भी देखा होगा। अगर हम देखें कि आज रामायण हमें क्या दे सकती है, रामायण हमारी हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो हमारी संस्कृति की जड़ है, हम ये कह सकते हैं। और यदि हमें अपनी संस्कृति को याद रखना होता है, कायम रखना होता है, तो हमें रामायण का ज़रूर हमें उसे देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए। रामायण शुरू होती है, आप सब जानते हैं, महाराज दशरथ से। महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं था। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपको जाकर एक योगी के पास पुत्रों के लिए प्रार्थना करनी होगी। और शुरुआत से ही देखिए कि जब देवी कैकेयी ने कहा कि महाराज अपनी सेना के साथ जाएंगे, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा नहीं, वो याचक हैं और उन्हें एक याचक की तरह जाना होगा। इसी को कहते हैं हम मर्यादित व्यवहार। वो गए, उन्हें आशीष मिली, वरदान मिला योगी का, और उनके पुत्र पैदा हुए। पुत्रों में भी देखिए आप, भाई और भाई का प्रेम, हालांकि कितने छोटे छोटे बच्चे थे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत। जब एक भाई कहता है कि मुझे नींद नहीं आएगी जब मैं गुरुकुल में जाऊंगा, तो राम जो छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगा। इसे कहते हैं भाई और भाई का प्यार। यदि माँ वहां नहीं होगी तो बड़ा भाई छोटे भाई का ध्यान रखेगा। गुरुकुल में जाते हैं वो। गुरुकुल में उन्हें जाने के लिए उन्हें संस्कार जो हैं वो बताए जाते हैं। उनका यज्ञोपवीत किया जाता है, जो उस समय बहुत ही सभी को किया जाता था। और उन्हें महाराज दशरथ, उनके पिता, उन्हें बताते हैं कि गुरुकुल में उन्हें क्या क्या करना होगा। उन्हें गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा, गुरु के उठने से पहले उठना होगा, गुरु के सोने के बाद सोना होगा और धरती पर सोना होगा। और जब बच्चों ने पूछा कि क्यों ऐसा, तो महाराज दशरथ ने कहा कि उन्हें मजबूत बनना होगा। मजबूत इंसान किस लिए बनता है? इसलिए कि कोई भी परिस्थिति आ जाए तो वो उसका सामना कर सके। फिर वो गुरुकुल में जाते हैं और गुरुकुल में गुरु वशिष्ठ उन्हें ज्ञान देते हैं। उन्हें कितने सब्जेक्ट बताए उन्होंने कि हम ये भी पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे। वही सारे विषय, वही सारे सब्जेक्ट आज भी पढ़ाए जाते हैं। तो ये देखिए उस समय हमारा विज्ञान कितना ज्यादा एडवांस था। ऐसा नहीं कि वो पुराना समय था तो विज्ञान एडवांस नहीं था, विज्ञान बहुत एडवांस था। और तो और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी बताया। वो सभी जानते थे, सभी विज्ञान पूरा उस समय बहुत ज्यादा विकसित था। और एक चीज और वहां गुरुकुल में जिस बात का बहुत ध्यान दिया गया कि बच्चे चाहे धनी व्यक्ति के हों, राजा के हों या किसी गरीब के हों, वो सब एक समान होंगे। एक समान इसलिए होंगे ताकि उनमें कोई किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। ये भी कहा गया कि वो अपने जो उनके पहचान के लोग हैं, उनके जो उनके रिश्तेदार लोग हैं, उनके यहां भीख मांगने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर उनको भीख आसानी से मिल जाएगी, तो वो उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। तो गुरुकुल में ये सारी चीजें उन्हें बताई गई। ये सारी बातें यदि हम ध्यान से देखें तो यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सनातन संस्कृति है। और आज की यंग जनरेशन को, ये नहीं कहता कि वो जो यंग जनरेशन जो आज कर रही है वो पूरे पुराने जमाने में अपने आप को ले जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड टूडे इज कि वो जो भी कर रहे हैं वो सोच समझ कर करें, उसके रिजल्ट्स के बारे में सोच लें कि इसका रिजल्ट क्या होगा।
जिंदगी को एक रैश वे में न जिए, बिल्कुल भी एक हैपासर तरीके से न जिए। कहने का तात्पर्य यह है कि वो एक मर्यादित ढंग से जिए, जो हमारे लिए अच्छा हो उसे सोचें समझें। और रामायण जो हमारी संस्कृति का इतना बड़ा अंग है, जो हमारा महाकाव्य है, वो हमें ये सब कुछ बताता है। आप सबको रामायण का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि रामायण के सारे एपिसोड अपने परिवार के साथ बैठकर मैं फिर से देखूंगा। आप भी देखिए और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मनोरंजन तो है, मनोरंजन की दृष्टि से ही सिर्फ न देखें इसे, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत मजा आएगा। आपके लिए, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपना ध्यान रखें आप, ये जो कोरोना वायरस है इसके लिए जो भी कुछ बताया गया है उसका बिल्कुल ध्यान रखें और बिल्कुल मर्यादित ढंग से इसको भगाने की कोशिश करें। लक्ष्मण रेखा जो हमारे प्रधानमंत्री ने बताई है, संयम संकल्प से लेकर इस कोरोना वायरस को हम यहां से भगा सकते हैं।